नमस्कार, प्राइम न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गर्मी का मौसम अब शुरू हो चुका है। इस गर्मी के मौसम में आँखों से पानी आना, आँख लाल होना, आँख में खुजली होना और आँख चुभने लगता है, या रात में सोने के बाद आँखों से कीचड़ वगैरह आने लगते हैं जिससे आँख सट जाता है, इस तरह की समस्याएँ आने लगती हैं। इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे जो जिला सिवान के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, जो कि नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी दिनों से सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब का परिचय मैं कराऊंगा। डॉक्टर राहुल कुमार, और यह कुमार आई केयर सेंटर सिवान का बहुत ही विश्वसनीय सेंटर है। स्वर्गीय डॉक्टर शिव दयाल प्रसाद का नाम लोगों के जुबान पर है और उनके द्वारा किए गए काम को लोग आज भी सराहते हैं, याद करते हैं, और इसी काम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर राहुल कुमार स्वर्गीय डॉक्टर शिव दयाल प्रसाद के सपने को साकार कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। धन्यवाद जी। सर, समस्या आती है आँखों में गर्मी के मौसम में, क्या क्या होता है जरा बताएं। गर्मी के मौसम में सबसे पहले आँखें लाल होना एक बहुत आम समस्या है, और गर्मी के दिनों में धूल बहुत उड़ते हैं, उस धूल के कारण एलर्जी होती है, उस एलर्जी के कारण एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस आदि बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। कभी भी इसको किसी भी मरीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार धूल कण हमारे आँखों में जाके चिपक जाते हैं और उसको अनजाने में मरीज लोग रगड़ देते हैं, जिसके कारण कॉर्नियल अल्सर जैसी बीमारियाँ होती हैं, और उसको भी लोग हल्के में ले लेते हैं और वो कॉर्नियल ऑपेसिटी में बदल के लोग उससे हर साल लाखों लोग अंधे हो जाते हैं। तो ये जो मौसम अभी धूल भरी वाली दिन आते हैं, इसमें लोगों को काफ़ी सुरक्षित तरीके से रहने की कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करने चाहिए कि जब भी हम बाज़ार या कहीं से भी आए या धूल भरी आंधी से अगर हम लोग गुजर रहे हैं, तो आने के पहले सबसे पहले आँखों पे हम लोग पानी का एक हल्का झोंका मारे, जिससे कि उससे सारे कचड़ा निकल जाए और ताकि एलर्जी की भी संभावना न रहे और आंखों में होने वाली बीमारियों से हम लोग बच सके। डॉक्टर साहब, एक सामान्य तौर पर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक पिचपिचिया मिलता है जो कि बाजार में दुकान पर कहीं मिलता है, उसको ही खरीद लेते हैं, बीमारी कोई भी हो, और समझते हैं कि यही जो है इसको ठीक कर देगा। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसा कहा जाता है कि आँख जो है इस संसार में सबसे ज़रूरी चीज़ है, यदि इसको हम लोग नहीं रहे तो सब बेकार है। बिल्कुल। और इतने मूल्यवान चीज़ों को इतने लोग हल्के में लोग लेते हैं, बड़ी दुख की बात होती है जी। कभी भी इसे हल्के में नहीं लेना है जी। और छोटी मोटी बीमारियों के लिए कभी भी एक सेफ मेडिसिन को यूज करना चाहिए जी। हाँ, पुचपुचिया एक आम भाषा में जो है और आम जनता में बहुत लोकप्रिय दवा है जी जी। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा है सर आपसे। मैं इसको नज़रअंदाज नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं लोगों को सलाह दूंगा कि किसी भी तरीके की बीमारी हो, 24 से 48 घंटे देखना चाहिए और उसके तुरंत बाद किसी भी नज़दीक के डॉक्टर से ज़रूर मिल लेना चाहिए। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, आप हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। अब बिहार संदेश न्यूज भी आपके साथ जुड़ने जा रहा है, जो कि आपके बीच मौजूद हो चुके हैं और ये अपना सफर तय करके आपके इस क्लिनिक तक पहुंचे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और एक बार फिर बिहार संदेश न्यूज के साथ हम लोग आपसे जुड़कर बात करेंगे। धन्यवाद।